केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया है। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज हटाने के बाद अब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पर लगने वाला चार्ज भी हटाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकारी बैंकों से कहा है कि वे इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यानी IMPS और UPI से 1,000 रुपए से अधिक के ट्रांसफर पर लगने वाले शुल्क को NEFT के बराबर स्तर पर सीमित रखें। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक NEFT के जरिए अपने खाते से 10,000 रुपए तक की धनराशि ट्रांसफर करने पर 2.5 रुपए शुल्क लगता है। 10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक के ट्रांसफर पर शुल्क 5 रुपए हो जाता है। 1 से 2 लाख रुपए तक के ट्रांसफर पर 15 रुपए और 2 लाख रुपए से अधिक के ट्रांसफर पर 25 रुपए शुल्क लगता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर सेवा कर भी देय होता है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि 1,000 रुपए से अधिक के USSD ट्रांजैक्शन पर इन शुल्कों में 50 पैसे की और रियायत दिए जाने की आवश्यकता है। USSD का इस्तेमाल फीचर फोन से SMS के जरिए बैंकिंग सेवाओं के लिए होता है। USSD पर मौजूदा शुल्क की दर 1.5 रुपया है। हालांकि 30 दिसंबर 2016 तक इसे शुल्क मुक्त रखा गया है। सरकार ने अपने एक बयान में कहा है कि डिजिटल और कार्ड से भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए ही वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को ये दिशा निर्देश दिया है। इसके मुताबिक सरकारी बैंकों से 1,000 रुपए से अधिक के IMPS ट्रांसफर अथवा UPI से भुगतान पर NEFT के निर्धारित शुल्क से अधिक चार्ज वसूल नहीं किया जाए। अलबत्ता सेवा कर की मौजूदा दर लागू रहेगी। मंत्रालय का ये दिशा निर्देश 31 मार्च 2017 तक लागू रहेगा।